ईडी ने रिया चक्रवर्ती को तकड़ा झटका दिया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने बहाना बनाया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए उसे सुनवाई से छूट मिले। उसने कहा था कि ईडी उसे सामने पेश होने से छूट दे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ईडी ने साफ कर दिया कि उसको 7 अगस्त के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है तो उसको 7 अगस्त को ही पेश होना होगा। दरअसल ईडी ने अपना सम्मन रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ईमेल के जरिए अपना जवाब दिया और साथ ये बहाना भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक उसको पेशी से छूट दी जाए। यानी वो ईडी के सामने पेश होने से कतरा रही थी, बच रही थी, लेकिन ईडी ने उसकी इस चाल को नाकाम कर दिया और साफ बोल दिया कि उसको 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। उसको उस सवालों के जवाब देने होंगे जो आरोप उस पर लगते हैं। वो तमाम चीजें जो अब तक सिर्फ सवाल बनकर घूम रही है उन सब चीजों का जवाब देना होगा। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच झगड़े के बीच अब मामला ईडी और सीबीआई के पास पहुंच गया है। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 6 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई टीम ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है कि पटना में सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें साफ लिखा था कि सुशांत सिंह के अकाउंट में 17 करोड़ थे जिनमें से 15 करोड़ गायब है, और यही आरोप बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाया है, जिसमें लिखा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के करीब इसलिए आई थी ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके, साथ ही उन पर दवाइयों की ओवरडोज देने और सुशांत सिंह को पागल घोषित करने के भी आरोप है। लेकिन रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों से अब तक बच रही थी और वो चाहती थी कि ईडी के सामने भी पेश ना हो, लेकिन अब ईडी ने साफ कर दिया कि उसको 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।